तिरुपति मंदिर प्रसाद विवाद के बाद राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के सभी बड़े मंदिरों के प्रसाद की होगी जांच, सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया आदेश। 23 से 26 सितंबर के बीच कराई जाएगी प्रसाद की जांच, 14 बड़े मंदिरों से शुरू किया जाएगा जांच अभियान। तिरुपति प्रसाद खुलासे के बाद पूरे देश में हड़कंप, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के लड्डू की जांच हुई, मंदिर प्रशासन ने प्रसादम सेंटर जाकर की लड्डू की जांच, प्रसाद की क्वालिटी और पवित्रता की जांच की गई। जांच के बाद बोले वाराणसी के एसडीएम, जिस घी से लड्डू बना उसका टेस्ट कराया गया, प्रसाद में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं मिली। तिरुपति लड्डू विवाद में एक्शन में केंद्र सरकार, जेपी नड्डा ने सीएम नायडू से मांगी रिपोर्ट, का मिलावट की जांच फंसाई करेगी और कानून के दायरे में होगी कार्रवाई। प्रसादों में मिलावट के विवाद के बाद टीडीडी की वेबसाइट पर दावा, लड्डू की गुणवत्ता की सही कर दिए जाने का किया गया दावा। मुंबई के धारावी में मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए पहुंचे बीएमसी के अधिकारी, इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में हुए जमा, पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। आज से 3 दिनों के अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात के अलावा क्वाड समिट और संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में होंगे शामिल। सबसे पहले अमेरिका के फिलाडेल्फिया पहुंचेंगे पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी पहले दिन क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन का हिस्सा होंगे, डेलावेयर के विल्मिंगटन में आयोजित हो रहा है सम्मेलन। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल। आज दिल्ली के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे आतिशी, उपराज्यपाल वीके सक्सेना शाम 4:30 बजे एलजी हाउस में दिलाएंगे शपथ। आतिशी के साथ 5 मंत्री भी लेंगे शपथ, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन, मुकेश अहलावत बन सकते हैं मंत्री। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। रियासी में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं पुलिस और सुरक्षा बल के जवान, ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। गुजरात के अहमदाबाद राजकोट लाइन पर किम रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा टला, अप लाइन ट्रैक पर खुला मिला फिश प्ले, ट्रैकमैन के अलर्ट रहने के चलते हुआ बड़ी साजिश का खुलासा। आज सुबह 5 बजे ट्रैकमैन ने खुला पाया फिश प्लेट, पास में फेंकी मिली फिश प्लेट की चाबियां। लखनऊ में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, कई लोग घायल। झारखंड में 2 दिनों की सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा शुरू, परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं ठप की गई।